दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ट्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मिस्टर मोदी जी के बारे में, और ये रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मिस्टर मोदी बनारस में थे और वहाँ पर उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया था, और वहाँ पर वो पहुँचे थे और जो समय था वो था 1:13। वो फोटो आपने भी देखी होगी। तो यहाँ पर मेरा यहाँ सवाल ये है कि क्या मैसेज है दुनिया को 1:13, क्या ये कोई मैसेज है, क्या ये कोइंसिडेंस है? तो यूनिवर्स हमसे कुछ बताना चाहता है इस नंबर के माध्यम से, और 1:13 पर ही मोदी जी का वहाँ पर होना ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है, और वो फोटो आपने देखी ही होगी। तो आज बस यही जानना है कि क्या सिग्निफिकेंस है उस फोटो का, उसमें जो समय दिख रहा है वो समय के माध्यम से यूनिवर्स हमसे क्या मैसेज बताना चाहता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। What does it mean? Please give us the significance. Okay, तो एक कार्ड यहाँ पर निकला है, इसे हम कंसिडर करेंगे। कुछ लिखा जा चुका है, समथिंग हैज बिन रिटन, कुछ कार्ड जंप आउट हुए हैं, इन्हें कंसिडर करेंगे। तो क्या लिखा जा चुका है, क्या होने वाला है? ये लाल कपड़ों में तो चाइना ही दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या हुआ है? टेम्परेंस, चाइना को इम्बैलेंस करने की तैयारी की जा रही है, मतलब ये चाइना का जो बैलेंस है उसे बिगाड़ने की एक तैयारी की जा रही है। कैसे बिगड़ेगा ये बैलेंस? चाइना का बैलेंस बिगाड़ने की तैयारी की जा रही है। चाइना का बैलेंस बिगाड़ने की तैयारी कैसे? रिवर्स में है कार्ड्स, चाइना को इकोनॉमिकली काफ़ी नुकसान होने वाला है आने वाले समय में, कि चाइना को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है आने वाले समय में, और ये भारत की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएंगे जो चाइना को इम्बैलेंस कर देंगे, चाइना का बैलेंस बिगाड़ने वाले स्टेप लिए जाएंगे, और तैयारी की जा चुकी है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ही कंसिस्टेंट है, आने वाले छः महीनों में बहुत कुछ होने वाला है। चाइना स्पेशली, चाइना का जो एक बैलेंस बना हुआ था अभी तक का, आप देखिए ये जो रेड ड्रेस में है ये चाइना है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक क्रीचर दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चाइना की ही एनर्जी है। और ऐसा लगता है कि फाइनली अब जो मिस्टर मोदी हैं कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि चाइना का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर आया है 8 of Cups, मिस्टर मोदी यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो निराश ना हो, अगर चाइना भारत पे वार कर रहा है तो यहाँ पर भारत के जनता को वो यह कहना चाहते हैं कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो ये दुश्मन है उसके ही खिलाफ चल रही है कोई साजिश। और ये आया है 13 नंबर यहाँ पर, तो यहाँ पर 1:13 का मतलब तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शुरू इन्होंने किया है लेकिन फिनिश हम लोग करेंगे, क्योंकि 13 नंबर कार्ड सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगा चाइना, कुछ ऐसी एक सीक्रेट कमेटी यहाँ पर चल रही है। 12 नंबर कार्ड है जिसमें एक पर्सन यहाँ आप देख रहे हैं, बाकी लोग भी बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ मीटिंग चल रही है। और यहाँ पर ये चाइना है, चाइना भी इस समय जानता है कि भारत कुछ एक्शन लेने वाला है, और जो भी भारत एक्शन लेगा इससे चाइना की तरफ भारत का एक स्ट्रॉन्ग नज़रिया जाएगा, और जो भारत के लोग हैं उनको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं मिस्टर मोदी। तो आने वाले समय में ऐसा ही लगता है कि कुछ होने वाला है और बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा, और ये चाइना से कनेक्टेड होगा, जो भी होगा चाइना से कनेक्टेड होगा। स्टार्टिंग उन्होंने करी है लेकिन यहाँ पर फिनिश जो है वो हम लोगों की तरफ से ही होगा, और फाइनेंशियली हिट होगा चाइना। यहाँ पर चाइना की जो इकोनॉमी है वो आने वाले समय में बहुत बुरे तरीके से हिट होने वाली है, और भारत इसमें मुख्य रोल जो है वो प्ले करेगा। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई मीटिंग हो रही है लगातार जिसमें इस बारे में डिस्कशन हो रहा है, और यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले 6 महीने से लेकर के
एक साल के अंदर चाइना का जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरे तरीके से गिरने वाली है। तो यहाँ पर तो यही लग रहा है, 1/13 का सिग्निफिकेंस यही है कि शुरू तो चाइना ने किया है, लेकिन यहाँ पर इसको जो फिनिश करेंगे वो हम करेंगे, भारत फिनिश करेगा। और 13 नंबर कार्ड पे हमें पेंटिकल्स आए हैं, माँ लक्ष्मी आई है, तो कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी है वो जाने वाली है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर मैसेज मुझे लग रहा है। यहाँ पर चाइना है, आप देखिए 9 ऑफ कप्स है ये चाइना है, और ये 12 ऑफ कप्स पे भारत है, तो भारत यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है। चाइना तो यहाँ पे सोच रहा है कि क्या डिस्कशन हो रहा है, जो उनके यहाँ पे एजेंट्स हैं वो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम यहाँ पर 12 नंबर पर हैं, वो तो 9 पर हैं, उनसे हम आगे हैं। तो भारत की जो सुरक्षा नीति है, भारत के जो प्लान्स हैं, भारत की जो एजेंसीज हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, ये यहाँ पर मैसेज है। और आने वाले समय में, आने वाले 6 महीनों में चाइना का जो फाइनेंसिस है, उनकी इकोनॉमी को पूरे तरीके से घेरने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर ऐसा ही है, चाइना पर करेगा भारत आक्रमण, और ये आक्रमण होगा उसके फाइनेंसिस पे, उसकी इकोनॉमी पे। तो यहाँ पर तो यही मैसेज आ रहा है कि चाइना की इकोनॉमी आने वाले समय में बहुत बुरे तरीके से गिरने वाली है। तो यही मुझे यहाँ पर देखना था। उम्मीद करती हूँ आपको इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी और आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।